हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़िनिया की केयर हम कैसे कर सकते हैं इन गर्मियों में। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि उनकी प्लांट्स सूखने लग गई हैं ज़िनिया की। तो इस वीडियो में आज मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगी ज़िनिया के बारे में, सीड से ग्रो करने से लेकर इसकी फ्लावरिंग आने तक इसमें कैसे देखभाल इसकी करनी है और क्या क्या परेशानियाँ आती है। तो ये कुछ सीडलिंग मैंने लगाई थी और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लेगी है, क्योंकि घर पर हम नर्सरी जैसे कंडीशंस नहीं बना सकते हैं और वो सही टेम्परेचर, शेड नेट के अंदर रखना और वो लाइट नहीं दे सकते। अगर हम इसे धूप में ग्रो करते हैं तो ये सूख जाएगी, अगर शेड में तो ये लेगी हो जाएगी। तो आप इसे लेगी ही होने, लेगी होने के बाद ये वापस से हार्डवुड बन ही जाती है। पर मेरे इन सीडलिंग्स को चिड़ियों ने खा लिया था, मैंने इसे बहुत मुश्किल से बचाया। आप जो ये देख रहे हैं रेड टब में, इसे चिड़ियों ने खा लिया था, तो मैंने इसकी पोजीशन को शिफ्ट कर दिया और उन पॉट से निकाल कर अपने इस पॉट में लगा दी थी मैंने। ये काफ़ी ज़्यादा लेगी था, तो आप इसकी जो स्टेम होती है उसको आधा मिट्टी के अंदर ही रहने दें, क्योंकि वो बाद में फिर हार्डवुड बन जाती है और आपका प्लांट चल पड़ता है। तो कुछ दिनों बाद ये काफ़ी बड़ी हो गई, इसमें न्यू लीव्स भी आ गई और लेगीनेस भी काफ़ी हद तक इस प्लांट की दूर हो गई थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब इनमें लीव्स आ गई है। इसकी मिट्टी में मैंने 1:1 में कोकोपीट और कॉम्पोस्ट मिलाया है। इस प्लांट को कॉम्पोस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इससे ज़्यादा फ्लावरिंग आती है और ये बहुत जल्दी बढ़ता है। इस स्टेज पर आप इसकी पिंचिंग कर दें ऊपर से, नहीं तो ये पौधा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी मैंने पिंचिंग की थी तो साइड से एक दो ब्रांचेस निकले हैं, इसको अभी और पिंचिंग चाहिए। ये अभी भी बहुत टॉल हो गया, इसमें ब्रांचेस ज़्यादा नहीं है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सीडलिंग्स थी तो मैंने एक गमले में तीन तीन करके लगा दिया था। तो आप जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें एक फ्लावर आ चुकी है और बाकी सब में बर्ड्स हैं। तो अगर यहाँ से हम इसको काट देंगे तो इन दोनों साइड से फिर न्यू ग्रोथ निकलेंगी और ये प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा। तो मैं साइड से इसकी प्रूनिंग कर दूंगी, आप देखिए इसे ऊपर ऊपर से मैं काट दूंगी और जहाँ से काटूंगी ठीक उसकी साइड से न्यू ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह सभी प्लांट की प्रूनिंग कर दूंगी, ऊपर से मैं सबको काट दूंगी जो जो बहुत ज़्यादा टॉल है। तो अगर हम पिंचिंग नहीं करते हैं तो आप देखिए कि कितना लंबा हो जाता है प्लांट। इस प्लांट की हाइट देखिए आप, इतना लंबा है और इसमें फ्लावर बर्ड्स भी बहुत कम आएंगे। पिंचिंग करने के एक हफ्ते बाद आप इसके देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं और इसमें काफ़ी बर्ड्स भी निकले हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रॉब्लम की तरफ, इस स्टेज में इस प्लांट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और ये क्यों मर जाता है। ज़िनिया को गर्मियों में नमी वाली मिट्टी पसंद है, तो अगर इसकी मिट्टी कभी सूख गई पूरी, आपने कभी पानी देना भूल गए आप, तो इसकी लीव्स जो आप देख रही है लीव बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ये सूखती है और प्लांट धीरे धीरे पौधा मर जाता है। तो इसीलिए आप इसे दो बार पानी दीजिए डेली सुबह शाम और मिट्टी में कोकोपीट मिलाइए ताकि वो ज़्यादा टाइम तक पानी को रिटेन कर सकें। जितनी सूखी हुई लीव्स हैं नीचे की तरफ आप वो सबको निकाल दें हाथ से। और आप देख रहे हैं इसे मैंने एक प्लास्टिक के गमले में ग्रो किया हुआ है, इससे क्या होगा ये प्लास्टिक है तो इसे पानी जल्दी नहीं सूखेगी, तो ज़्यादा टाइम तक इसमें पानी रहता है। अभी मई में धूप की जो किरणें हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जिससे लीव बर्न्स होती है प्लांट्स को। तो अगर आपके वहाँ कोई शेड है या कोई बड़ी सी प्लांट है तो आप उस प्लांट की शेड के नीचे ज़िनिया को लगाइए। आप जैसे मेरे इन टब्स के पीछे जो पौधे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं तो उनसे इनको शेड मिलता है दिन के वक्त।
तो बस इसी तरह मैं अपनी ज़िनिया की देखभाल करती हूँ। और गाइस, फर्टिलाइज़र इस प्लांट को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप अगर इसमें कॉम्पोस्ट डाल दें तो बस ये अच्छे से ही चलते हैं। मैंने इन प्लांट्स में अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। कॉम्पोस्ट भी मेरे सॉइल में जो पहले से थी वही है, मैंने कोई एडिशनल कॉम्पोस्ट भी नहीं डाला है। तब भी इनमें फ्लावर्स काफ़ी सारे आप देख रहे आ चुके हैं, और इनमें पानी भी अभी एक बार ही मिल रहा है इन सभी को, क्योंकि अभी रमज़ान है तो शाम के वक्त ही बस पानी मिल रहा है। तब भी आप देखिए ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं ये प्लांट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।